अटल जल योजना के लिए 6000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला भी लिया गया है। मोदी कैबिनेट ने अटल जल योजना को मंजूरी दी है। 6000 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे। किस तरह से भूजल स्तर जो है उसे बढ़ाना है इसे देखते हुए, क्योंकि हमने देखा है कि कई इलाकों में जहां बात कर ले कि भूजल स्तर जो है काफी नीचे पहुंच चुका है और पानी पीने के पानी की दिक्कत आने लगी है, तो अब कैसे उस स्तर को बढ़ाया जाए क्योंकि कई एनजीओ जो हैं वो लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं। तो अब अटल जल योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी मोदी कैबिनेट ने दी है। आज कैबिनेट ने कई बड़े और अहम फैसले लिए, एनपीआर उसमें से एक है। अटल जल योजना को 6000 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। पानी की सुविधा खासकर ग्रामीण इलाकों में 85% भूजल से होती है। इस भूजल का ठीक तरह से प्रबंधन हो, कार्यक्षमता उसकी बढ़े, उसका उपयोग ज्यादा हो, इसके लिए ये अटल जल मिशन, अटल जल ये कार्यक्रम तैयार किया है। आज उसको मान्यता दी गई, उसके लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। 3000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, 3000 करोड़ भारत सरकार देगी। जिन राज्यों को अभी शुरुआत में ये मिल रहा है वो उनको पूरी ग्रांट है। इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये काम चलेगा। लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, वो घर घर जाएंगे और फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा डेढ़ घंटा लगता है। अब इसका ऐप तैयार किया है और इसलिए ऐप पर जो आप भरोगे वो मंजूर होगा। इसमें ना प्रूफ है, ना कागज है, ना बायोमेट्रिक है, जो आप कहोगे वही सही है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है।